विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं बस यही चाहती हूँ कि आपका ये जो साल है वो बहुत अच्छा जाए और आप सब बहुत हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और हम सब जल्दी से यार ये कोविड फ्री हो जाए. पता नहीं हम नॉर्मल लाइफ स्टाइल कब रिज्यूम करेंगे, पर आप सब लोग आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए. 5-6 मंथ से हम थोड़ा सा हमने सैनिटाइजर का यूज़ कम कर दिया था, मास्क का भी यूज़ कम कर दिया था. तो प्लीज़ आप लोग वापस से मास्क और सैनिटाइजर और जो 6 फीट की डिस्टेंस है वो वापस से मेंटेन करें. तो अभी बज रहे हैं दोपहर की 1:30 बज रहे हैं. आज हम लोग काफ़ी लेट उठे क्योंकि हमने 4 बजे तक इंजॉय किया. हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने. तो चलिए मैं आपको कुछ क्लिप्स बताती हूँ कि हमने कैसे सेलिब्रेट करा हमारा न्यू ईयर. हम आ गए हैं हमारे फ्रेंड के घर और उसने हमें थोड़ा जल्दी बुला लिया था क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन करना था. तो बस ये हो गया है डेकोरेशन. देखिए कितना प्यारा लग रहा है. ये वाला जो किट है इसने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था और ये देखिए बच्चे किस तरीके से खाना खा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे पंगत पे बैठे हैं. उनको स्टार्टर और अवयान को तो पनीर इतना पसंद है. मेरी फ्रेंड ने बहुत सारा खाना बनाया था, काफ़ी सारा खाना बनाया था उसने. इस बार हम लोगों ने काफ़ी रील्स बनाई और इस बार तो पता है मतलब हमारे हस्बैंड ने भी बहुत इंजॉय किया. नॉर्मली वो कभी डांस नहीं करते पर अंशुल को तो इतनी चढ़ा हुआ था ना ये वाला सॉन्ग और ये नाचो नाचो की तो बैंड बजा दी इन लोगों ने स्टेप. और अगर आपको इसको फुल वीडियो देखना है ना तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो. मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया हुआ है. और बस ये हो गया हमारा न्यू ईयर और हम लोगों ने काउंटडाउन स्टार्ट करा एंड दैट इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर न्यू ईयर. फॉरेन कंट्रीज़ रहने में ना सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि यहाँ पर आपकी फैमिली नहीं होती बट यहाँ पर आपके फ्रेंड्स जो हैं दे आर ओनली योर फैमिली. सो दे आर लाइक योर एक्सटेंडेड फैमिली फार अवे फ्रॉम योर होम कंट्री. तो हम ना सारे सेलिब्रेशन साथ में ही सारे जो फेस्टिवल्स साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं और मेमोरीज क्रिएट करते हैं. गुड इवनिंग. शाम हो गई है और मैंने भगवान के लिए बनाया है, आज न्यू ईयर है तो मैंने मीठा बनाया है. मैंने बनाया है रवे का हलवा. और बस अब हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेंट जाएंगे. और हम आ गए हैं मंदिर. ये है सैन होजे की ठाकुर जी की हवेली, बहुत ही सुंदर है. मंदिर में आके ना इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है. और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये गोवर्धन पर्वत बनाया है. और ये रथ जैसा, रथ तो नहीं, ये बैलगाड़ी में ठाकुर जी विराजे हुए हैं. और इधर है महाप्रभु जी और इधर है यमुना जी और ये है गुसाई जी. ग्वाले और गोपियाँ भी कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे. आज बहुत ही प्यारे दर्शन हैं. एंड नाउ वी आर एट रेस्टोरेंट. आज मैंने खाने की छुट्टी, मैंने सुबह भी खाना नहीं बनाया और अभी भी हम बाहर आ गए. अवयन आप क्या क्या खाओगे? दही पूरी और पूरी पूरी और थोड़ी सी सब्जी. कौन सी? भिंडी की. भिंडी की, ओके. और इडली. इडली खाओगे? हाँ. ओके. और डन. गुड. देखते हैं क्या क्या खाते हो आप. और ये है हमारी न्यू ईयर स्पेशल थाली और ये है राज कचौड़ी और डोसा इज ऑन द वे. एंड वी आर एट ए टू बी इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. यहाँ का खाना बहुत अच्छा है तो अगर आप बे एरिया में हैं तो ये वाला रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करिएगा. ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है. एंड नाउ वी आर बैक टू होम और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड आई प्रे कि आप सबका ये जो नया साल है वो बहुत अच्छे से जाए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.